हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है वो बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे कुछ और वीडियोस आने वाला है जो कि आज के वीडियो के साथ रिलेटेड होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग कंप्लीट देखिए, अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को पर्सनल से प्रोफेशनल कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, मैं पूरा प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा और उससे आपको क्या क्या फायदा आने वाले दिनों में मिल सकता है। अभी तक अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम रिलेटेड वीडियोज नहीं देखे हैं तो मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक डाल दूंगा, आप जाके सारे वीडियोस देख सकते हैं। फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल, अभी तक अगर फॉलो नहीं किया है तो काइंडली फॉलो कर लीजिए, नया प्रोफाइल है, 27 ही फॉलोअर्स है। आने वाले दिनों में मैं इंस्टाग्राम पे भी बहुत एक्टिव रहने वाला हूँ, यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट आपके लिए लेके आऊंगा जो कि आपको जरूर से वैल्यू प्रोवाइड करेगा। फ्रेंड्स, अभी फिलहाल मेरा अकाउंट पर्सनल अकाउंट में सेट किया हुआ है, मैं इसको प्रोफेशनल में स्विच करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले दो तीन इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता था कि अगर आप अपने अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में सेट कर लेते तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। पहला तो आपको आपका पोस्ट प्रमोट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, दूसरा आप अपने अकाउंट के एक्टिविटी आप ट्रैक कर सकते हैं, पूरा इनसाइट आप लोग देख सकते हैं, कितना फॉलोअर्स आए, कौन सा पोस्ट में कितना रीच मिला, कितना एंगेजमेंट मिला है, और सारे डिटेल्स, बहुत सारे डिटेल्स आपको मिलने वाला है। इसीलिए अगर अभी तक आपने अपने अकाउंट को प्रोफेशनल में सेट नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद प्रोफेशनल में जरूर सेट कर दीजिएगा। प्रोफेशनल में सेट करने के लिए आपको ऊपर जो 3 डॉट्स दिख रहा है उसमें आपको क्लिक करना है, नीचे आप देख सकते हैं कि एक सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, उस सेटिंग्स में क्लिक कर दीजिए, थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, आपको मिलेगा एक अकाउंट बोल के ऑप्शन, वहां पे आप क्लिक कर दीजिए, उसके बाद फिर से आप थोड़ा सा नीचे तक स्क्रॉल कीजिए, वहां पे एक ऑप्शन मिलेगा स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, क्रिएटर अकाउंट एंड बिजनेस अकाउंट, आप आपके हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ये सेट कर दीजिएगा। फिलहाल मैं अपने लिए क्रिएटर अकाउंट ही चूज करूंगा, मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, यहाँ पे फिर से एक बार नेक्स्ट कर लूंगा और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपका कैटेगरी चूज करने के लिए। मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूंगा, मुझे मेरा कैटेगरी यहाँ पे दिख गया है डिजिटल क्रिएटर, मैं फिलहाल अभी के लिए ये सिलेक्ट कर देता हूँ और डन कर दूंगा। फ्रेंड्स, और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं आपको बताना चाहता था कि अगर आपके फ्यूचर में अकाउंट में बहुत सारे फॉलोअर्स आ गए हैं, आपके एंगेजमेंट ज़्यादा है, आपका रीच बहुत ही अच्छा हो गया है, तब आपका जो अकाउंट है वो आप इंस्टाग्राम से वेरीफाई करवा सकते हैं। और आने वाले वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग आपका इंस्टाग्राम अकाउंट वेरीफाई करवा सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।